बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम 2024 और साथ में टू डे प्रिपरेशन प्लान। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की, कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम कौन सी है, कि 2024 का जो पेपर होगा वो किस पैटर्न के ऊपर होगा। पेयरिंग स्कीम जो है वो बहुत मायने रखती है, इसमें से एक आइडिया हो जाता है कि हम कौन कौन से चैप्टर को अच्छे तरीके के साथ तैयार कर लें तो हमारा जो पेपर है वो कवर अप हो जाएगा, और कौन से चैप्टर अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा जो पेपर है वो फिर भी कवर अप हो जाता है। एक तो हम बात करें कि पेयरिंग स्कीम के बारे में, दूसरा हम बात करें कि टू डे प्रिपरेशन प्लान, कि हम किस तरह दो दिन के अंदर केमिस्ट्री की तैयारी कैसे कर सकते हैं, दो दिन में हम कौन कौन सी चीज़ें करें, कौन कौन से चैप्टर तैयार करें तो हमारा जो पेपर है वो 100% सॉल्व हो जाता है और हम अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई दोस्त चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मजीद नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। 17 नंबर के एमसीक्यूज आएगी आपके केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहले 6 चैप्टरों में दो दो एमसीक्यूज आपके आने हैं, पहले 6 चैप्टर में दो दो एमसीक्यूज आएंगे, फिर 7, 8, 9, 10 और 11। नेक्स्ट जो 5 चैप्टर है उसमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा, तो टोटल ये आपके 17 एमसीक्यूज आएंगे। पहले 6 चैप्टर में से दो दो एमसीक्यूज और अगले 5 चैप्टर में एक एक एमसीक्यूज आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन की, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो पहला पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 12 में से। 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हो गए, उनमें से आपने कोई से 8 को आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे चैप्टर लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में देखें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आने हैं, चैप्टर 2 और 3, इन तीनों चैप्टर में 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर साथ में चैप्टर नंबर 8, यानी कि पोर्शन 1 जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 8, इन 4 चैप्टर में से बनकर आएगा, जिनमें से चारों चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट आएंगे। आपने क्या करना है, इनमें से कोई से 3 चैप्टर आप लोगों ने तैयार करने हैं। अब वो 3 चैप्टर आप लोगों ने कौन से तैयार करने हैं कि आपके जो 8 क्वेश्चन है वो कम्प्लीट हो जाए, तो मैं आपको इसी वीडियो के एंड के अंदर आपको बताऊंगा, जब टू डे प्लान है कि टू डे प्लान के अंदर आपने कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड करने हैं। तो लिहाजा फिर वक्त आप ये नोट करें कि पहले 3 चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक चैप्टर नंबर 8 में से पहला पोर्शन बनेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन का। जो दूसरा पोर्शन बनेगा वो भी आपने 8 करने हैं 12 में से, वो एक चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11, इन 4 चैप्टर को मिलाकर बनेगा। चैप्टर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, चैप्टर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, साथ में चैप्टर नंबर 11 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इसमें से आपने कोई से 3 चैप्टर को अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कम्प्लीट हो जाएगी। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर आपने इसमें से उठाने हैं। जो पोर्शन नंबर 4 होगा उसके में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 9 में से, चैप्टर नंबर 6, 7 और 10, इन 3 चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जिसमें से आपने 6 करने हैं, और कोई से 2 चैप्टर को आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ तैयार कर लेना है तो आपका जो पोर्शन है वो कम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, 3 में से न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस है। जो नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8, इन 2 में से ए बी पार्ट आएगा, चैप्टर 8 में से न्यूमेरिकल के चांसेज है। जो नेक्स्ट लॉन्ग होगा क्वेश्चन नंबर 8, वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10, इन 2 चैप्टर को मिला के आपका कम्प्लीट होगा ए बी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर नंबर 9 और 11 को मिलाकर कंप्लीट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर को तैयार करें, कौन कौन से हम छोड़ दें। अगर मैं डे 1 की बात करूं कि डे 1 के अंदर हम कौन से चीज़ों को करें, कौन सी चीज़ें छोड़ें, तो डे 1 के अंदर आपने एम सी क्यूज को तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है, और सिर्फ 6 चैप्टर आप लोगों ने तैयार करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। डे 1 के अंदर जो आपने एक स्कीम बना दी है उसके अंदर एम सी क्यूज हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, और शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 6 चैप्टर के करने हैं। वो 6 चैप्टर कौन से हो गए, एक आपने करना है चैप्टर नंबर 1, एक करना है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और साथ में चैप्टर नंबर 10। आप अगर ये 6 चैप्टर कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप लोगों ने इन्हीं के लॉन्ग करने हैं, वो डे 2 प्लान होगा। डे 1 के अंदर प्लान आप लोगों ने ये नोट कर लेना है कि डे 1 के अंदर आप लोगों ने ये 6 चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके के साथ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार कर लेना है। अगर हम बात कर लेते हैं डे 2 की, कि डे 2 के अंदर हमने क्या करना है, डे 2 के अंदर आपने लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है, न्यूमेरिकल को तैयार करना है साथ में,
और इसके भी आपने सिर्फ 6 चैप्टर ही करने हैं। अब इसमें 6 चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, 7 और 10। ये 6 चैप्टर है, इन्हीं के शॉर्ट क्वेश्चन थे, इन्हीं के लॉन्ग है। अगर आप ये 6 चैप्टर बड़े अच्छे तरीके के साथ तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो 100% सॉल्व हो जाएगा और 70+ मार्क्स आपके होंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 3 के आपने न्यूमेरिकल भी साथ में तैयार करने हैं, बाकी चैप्टरों के आपने शॉर्ट और लॉन्ग तैयार कर लेने हैं, लेकिन इसके आपने न्यूमेरिकल भी तैयार करने हैं। ये डे 2 प्लान होगा। अगर आप ये 2-3 के अंदर अपने तैयार कर लेते हैं, इन प्लान को फॉलो करते हैं, तो आपका जो पेपर है वो 100% सॉल्व हो जाएगा और इसमें अच्छे मार्क्स भी आएंगे। मजीद आपको तमाम बुक्स का जो प्लान है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप लोगों ने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, इस वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।